सभी साथियों को नमस्कार। सुरदाराम जी हमारे गांव के बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं। सुरदाराम जी काफी ज्यादा उनके घर हने भीड़ है, आदमी बैठे ही बहुत सा, तो उन्हें कुछ छोटी सी बात करा अपनी देसी भाषा में, क्योंकि उनको मन यो मन रो है कि लुवारू थी कोई MLA प्रत्याशी बढ़िया अपना गांव को, अपना गुमांड को, और दूसरी बात प्रजापत समाज थी विलोम रखी प्रजापत की जाति कुमार जाति है। आज उनके भी बात करांगा। राम राम जी। राम। आज और इतनी भीड़ कर रखी है, जैसे गांव का चुनिंदा आदमी भी आ रहे हैं, तो के उपलक्ष पा रहे हैं, ये के बातचीत है ये जी? पहले तो जी न्यूज खुल के बोलो, कोई हिंदी की जरूरत को नहीं, आड़ू भाषा मानते हो, खुल के बोलो, कोई दिक्कत। हाँ जी, न्यूज चैनल पे सभी भाइयों को राम राम करता हूँ। मेरे गुजरगो और नौजवान साथियों, जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई देती है मेरी मातृशक्ति, आज बैंकवर्ड क्लास को कुछ नहीं मिला है, न ही कोई सरकार देखती है बैंकवर्ड क्लास के ऊपर। इसीलिए हमने 70 साल होगी वोट गेरते हुए, कोई भी सरकार आती है वो किसी को वोट दे देती है, किसी को वो कर देती है, किसी को टिकट दे देती है, किसी को कर देती है। बैंकवर्ड क्लास का कुछ भी नहीं किया इन्होंने जी, बैकवर्ड क्लास का नहीं, कुछ भी नहीं देखा इन्होंने। आज मेरे दिल के अंदर ये भावना हुई है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, मुद्दा उठाएंगे, और जहां तक भी हमारी आवाज पहुंचेगी वहां तक हम पहुंचाएंगे। मेरे गुजरगो और नौजवान साथियों, आज MLA का चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय का चुनाव लड़ेंगे, किसी टिकट की जरूरत नहीं है। मेरे को यह देखना है कि मेरे समाज के, मेरे 36वीं बिरादरी मेरे साथ है, कितने साथ है मेरे साथ। सभी भाइयों को हम जगाएंगे, हर घर में जाकर के जगाएंगे, हम एक एक आदमी से सुनेंगे हम बात। जैसे कि आपने चुनिंदा लोगों को इकट्ठा किया यहाँ पर, हाँ जी ठीक है, उनकी क्या राय है आपके प्रति, कि आपके मन में ये विचार आया कि भाई मैं MLA का चुनाव लड़ूं, कि कहाँ पे आपको कमी लग रही है, एक बार दोबारा से आप बताएं कहाँ पे कमी लग रही है आप? 36वीं बिरादरी को इकट्ठा किया है मैंने जी जी, इतनी ध्यात इकट्ठी हुई है जी जी, सभी ने यही किया है कि सूरजवान तू चुनाव लड़, हम तुम्हारे साथ हैं, मेरा कोई खर्चा नहीं लगेगा जी। सब मेरा खर्चा सब गाम राम देगा जी। एक भी रुपये का मेरा खर्चा कुछ नहीं है, गाम राम का खर्चा होगा और गाम राम ही इलेक्शन को उठा रहा है। एक तो जी जिस तरह की लोहारू हल्का में बहुत सा बड़ा बड़ा भाई पैसाना भी है और राजनीतिक आदमी भी है, तो उनके तरफ थी आपके मन में नहीं हुए कि अपना के लाइन में आवन देगा कौन आवन देगा, के मन करे आपको, के मन कहे आप? देखो वह कायग्रह है जो कि हाथी कितना भी बड़ा हो उसके हाथी को मारने के लिए कीड़ी बहुत होती है। बिल्कुल जी, मेरे गुजरगो और नौजवान साथियों, पैसे से इंसान नहीं मरता, इंसान मरता है सिर्फ प्यार से, और प्यार प्रेम अगर इंसान के अंदर होगा तो सब कुछ मिलेगा जी। मेरे साथ मेरी 36वीं बरादरी साथ है और प्यार प्रेम बहुत अच्छा है, यहां से लेकर के सुहासरा से लेकर के बड़वा तक मेरा प्रेम प्रेम बहुत अच्छा है, प्यार और प्रेम बहुत अच्छा रहेगा। मेरे यही दिल के अंदर है कि मेरा जहां भी जाऊंगा वहां तक मेरा प्यार प्रेम अच्छा होता जाएगा, और इलेक्शन लड़ेंगे, निर्दलीय का इलेक्शन लड़ेंगे, सुहासरा गांव से इलेक्शन होगा निर्दलीय का। तो आप जैसे गांव में आप वोट मांगने के लिए जाओगे, हाँ जी, क्या कुछ मुद्दे लेकर जाओगे आप सभी के बीच में, हमारे माँ बहन बेटी भाई चाचे ताऊ सबके बीच में आप क्या मुद्दा लेकर जाओगे कि भाई ये मेरा मुद्दा रहेगा, मैं इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूं, तो आप बताएं? देखो पहले बात तो रही बात ये कि जो पहले ही बता चुका हूं, बैकवर्ड क्लास को कुछ नहीं दिया इन्होंने जी। रही बात ये कि जो गरीब आदमी था जिनके पास जमीन नहीं है, जो बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि मैंने मुआवजा दे दिया, मैंने फलान कर दिया, मुआवजा किस बात का दिया? मुआवजा दिया है तो क्या चीज का मुआवजा दिया है? जमीन वालों को मुआवजा दिया है, बगैर जमीन वालों को मुआवजा कहां से मिला? मेरे को ये समझ में नहीं आ रही इनको। और सबसे ज्यादा लोन जाट सबसे ज्यादा है, 1,30,000 लोन जाट है, उनके पास क्या है, क्या दिया है उन्होंने? क्या सरकार ने सोची कि इनको क्या देना था, क्या लेना है? दिया है तो जमीन वालों को दिया है, अरे भरे को तो कुछ हर इंसान भरता है, लेकिन भूखे को भी रोटी खिला के दिखाओ आप। तो साथियों जिस प्रकार से हमने आपको बताया
कि जो सुरजाराम जी हैं ये एक बिल्कुल गरीब परिवार से आते हैं, इनके मन में ये विचार है, इनकी मन की धारणा है कि मैं गरीब के लिए कुछ करूं। तो अब इनसे कुछ और भी हम बातें करेंगे कि आप आज आपने रात को 10:30-11 बजे के करीबन व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया था कि सुरजाराम जी चुनाव लड़ेंगे रात को, तो रात को जब आपने ये विचार किया उससे पहले किन किन से आपने बात की या गांव के चुनिंदा गांव के गणमान्य लोगों से आपने बात की, उनका क्या विचार रहा इस बारे में? देखो जी, मैं रात को सो गया था जी और रात को मीटिंग चल रही थी गांव के अंदर। मीटिंग के अंदर मेरे को बुलाया गया फोन करके, फिर ने बोला भाई सूरज बांध तेरे को खड़ा होना पड़ेगा। मैं को भाई जो गांव राम मेरे साथ है तो मैं खड़ा हुआ, लेकिन मेरे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं है। बोला पैसे हम लगाएंगे, आप लगाओगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन लड़ेंगे और यही मुद्दा रखेंगे जो बैंक वर्ड क्लास का ही हो, जो अपने कोई अदर कास्ट है, छोटी कास्ट है अपने, उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनका मुद्दा पूरा रखेंगे, पूरा सरकार तक ऊपर तक पहुंचाएंगे ये आवाज। आपने विचार मनाया एमएलए का चुनाव लड़ने का? हाँ जी। तो आप इस सरकार से नाखुश हैं, तभी तो आपके मन में ये आया? हाँ जी, कि भाई मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए या फिर मैं चुनाव लड़ूं और जो इस सरकार की कमियां हैं उसको मैं पूरा करूं। तो क्या कुछ कमियां हैं, कुछ बताएंगे आप? हाँ जी बताइए। कमियां यही है जी, अभी बताई दिया आपने, जो कि भाई जो अदर कास्ट है उसमें जो जमीन वाले हैं उनके पास तो कुछ है, मुआवजा भी दे दिया उन्होंने, और जो नहीं जमीन वाले हैं उनके पास क्या आया है? कुछ नहीं आया उनके पास। आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासी, आपने जो बताया है यहाँ से सुमासरा से लेकर बड़वा तक एक ही आवाज आनी चाहिए, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिरी बार आप हमारे चैनल के माध्यम से ये बात बताएं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखो हमारे को कुछ नहीं दिया है, और सभी भाइयों से 36वीं बरादरी से मैं जोड़ी मांग करके रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे साथ रहे, मेरा मेरे को प्यार प्रेम दे ताकि अपनी आवाज आगे तक पहुंचे जी। तो साथियों, जिस प्रकार से चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि उसके पास इतने पैसे हैं, वही वो दानीदाता है, उसके पास इतनी सपोर्ट है, जब गांव राम एक होता है ना, और जब अंदर से आत्मा ये बोलती है कि ये काम मेरे को करना है, तो उसके सामने बड़े बड़े धुरंधर फैल हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमें सुरजाराम जी के पास आज हम आए हुए हैं, इनसे हमने बातें की, तो वो कहते हैं कि इंसान के कर्म ही उसके काम आते हैं। तो सुरजाराम जी एक आटा चक्की रखते हैं, हर घर जा जाकर ये आटा पीसने का काम करते हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं, इनके मन में ये विचार है कि मैं ये चुनाव लड़ूं और जो पीछे जो सरकार ने जो कमियां की है उसको मैं पूरा करूं। तो अब गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, हम उनसे भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे, तो आइए चलते हैं। तो जी सुरजाराम जी चुनाव लड़ी मेरे यहाँ में, तो मांगेराम जी बहुत ही ईमानदार मेहनती किसान है, लिख्या प्रणन को घर है, लिख्या हुरन ये आ रहे हैं, तो उनके अभी बात करांगा, सुरजाराम जी की फुल सपोर्ट करेंगे, तो उनके अभी बात करांगा। राम राम जी। राम राम जी। तो आज जो सुरजाराम जी ने आशीर्वाद दियो है आपने, सारा ही मिलके दियो है आशीर्वाद, सारे ग्राम दियो से सुरजाराम ने आशीर्वाद, अगर कोई भी युवा पीढ़ी है वो सब आज के दिन सूरज भान के साथ है, माता बहन सब सूरज भान के साथ हैं, एक कैंडिडेट तैयार किया है, सुहासरा गांव की आबादी कम से कम 6,000 वोटों की आबादी है, आते हैं सब एमएलए, कोई ठेका किसी का उठा लेता है, कोई किसी का वोट लेके चले जाते हैं, काम की टाइम आती है तब कोई काम नहीं करवाते, बोलते हैं तब कहते ये काम ऐसे नहीं बनेगा ऐसे ही बनेगा। अब की बार एक नेता चुना है, अगर किसी भी भाई के गांव में और भी किसी कोई इच्छुक हो तो सूरज भान का ये कहना है कि मैं बैठ जाऊंगा और वो आगे आ जाए, ये भी मेरी जिद्दी नहीं है कि मैं सूरज भान को तो एक सबको पूछकर आखिर में गांव में तैयार किया है, अगर और कोई भाई आना चाहता हो मैदान में तो आ सकता है। अपना गांव ने इसी की जरूरत पड़ी जी कि अभी सुरजाराम जी ने आगे लिया हाँ, कि पीछे जो सरकार हुई है उन्होंने कुछ नुकसान तो करे है या फिर नाखुश हो? हाँ नाखुश, अब बीजेपी सरकार है, हमारे अंडर पास निकाला है गांव के अंदर, उसका मालियों की रानी है, शमशाबाश की रानी है, उसके लिए ये बोलते हैं कि कट नहीं लगेगा, गांव ने रास्ता दिया हुआ है, साबत गांव ने उनको रास्ता दिया था, पंचायत ने रेजोल्यूशन बना के दे रखा है, अब वो सरकार के कहते हैं तो वो कहते हैं ये उधर से घूम के आ जाएंगे,
अरे तो गांव ने भी तो वो रस्ता ही कोई दिया था। एक जी अनका एक मेन समस्या यह है कि जो अंडरपास बनन लाग रहे है उनका साइड में अनका खेत ही, और अनका जो खेत ही तो अनको आन जान को कोई रास्ता बोली, वो रास्ता को समाधान मतलब गांव में पंचायत भी होली लेकिन किसी प्रकार तो कोई समाधान को नहीं हुआ है। तो आप जी जैसे कि प्रशासन ने के संदेश देना चाहो कि कई हिसाब थी मेरे समाधान प्रशासन को मैं यही समाधान देना चाहता हूँ कि मेरी खेवट है, मेरी खेवट की ओर रास्ता नहीं है, रास्ता बंद हो गया। अगर उधर कट दे देते हैं तो मेरा भी रास्ता खुलता है और गांव का भी, दो ढाणी है, इन दोनों ढाणियों का भी रास्ता खुलता है, सब परेशान है। बिल्कुल जी, इनकी बात बिल्कुल जायज है कि सरकार रास्ता देने के लिए बनती है न कि रास्ता बंद करने के लिए। इन किसान का आज रास्ता बंद हो रहा है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, प्रशासन के लिए भी दिक्कत है, आने वाले समय में जो अपने धोड़ा कुर्ता पजामा बढ़िया गाड़ के प्रेस करके जवामी ही उन खातर भी यह दिक्कत है। तो आप क्या कहना चाहो हो एक बार दोबारा से? मैं तो प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि ये अंडर पास बन रहा है, इसके अंदर अगर एक कट दिया जाए तो हमारे गांव के अंदर दो ढाणी है, एक मालवी की ढाणी, एक शमशाबाद की ढाणी, मान लिया हमारे गांव के लगभग वोट है उनके भी, उनका दोनों का रास्ता ये गांव ने दिया था, जाने आने की दिक्कत थी, पंचायत ने रेजोल्यूशन बना के दिया था। अब हमें वो इतराज किया, हमने कोर्ट में केस किया, तब गांव की पंचायत फिर हुई थी, पंचायत ने ये कहा था कि भाई कट दुआएंगे, अब कोई भी अधिकारी के पास जाते हैं वो कहते हैं कि कट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अंडरपास काफी है, सब अंडरपासों में कट है, एक भी अगर अंडरपास ऐसा हो जिसमें कट नहीं है तो आप जाके देख सकते हो प्रशासन। ये ऐसा इतना लंबा इनको बनाने की क्या जरूरी थी कि भाई 5 किलो में अंडरपास बना दिया, ये भी छोटा बन सकता था कि रास्ता खुला रह जा, नहीं कर देते हैं तो। अब ये बना दिया 7 किला लंबा, इधर से बना दिया 7 किला, इधर से बना दिया, अब जमींदार कहां से बढ़ेगा खेत में, कहां से काम घुसेगा उसमें, कोई कोई समाधान, अब कोई समाधान नहीं कर दिया सरकार। तो साथियों आप सभी से ये प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो इनकी जो समस्या है उसका समाधान हो, ये हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं। और भाई गांव गुमांड का बैठा तो बहुत ही उनकी बातचीत करा तो आओ चला। सूरजाराम जी का आशीर्वाद देने के लिए गांव के खेतों से, गांव गुमांड से, अलग अलग एरिया से आए हुए हैं, तो श्रीमान जी आए उनसे पूछेंगे। सूरजाराम जी ने जी आप ही MLA का चुनाव लड़ा, तुमने बारा में आप ही के कहना चाहो आप? सूरजाराम जी को MLA का चुनाव लड़ा वो बहुत बढ़िया बात है, और हम तो तन मन धन से सूरजाराम जी के साथ है, क्योंकि हमारे गांव का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो हम उसके साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, तो इसलिए हम वोट सूरजाराम जी को ही देंगे। सूरजाराम जी में आप ये क्या खासियत देखी आपने जी सूरजाराम जी ने, वो भी बताएं। सूरजाराम जी बहुत ईमानदार आदमी है, साफ छवि का आदमी है, इसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, इसीलिए हम सूरजाराम जी के साथ ही है। तो साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बार बार मैं यही बात बता रहा हूँ कि ये आटे की चक्की रखते हैं एक ट्रैक्टर के साथ, ये हर गली में, मोहल्ले में, खेत में जाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं, एक गरीब आदमी एक गरीब की ही बात समझेगा, तो एक गरीब तेजे से उठा हुआ, अगर हम इन्हें MLA का चुनाव लड़ाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब रोक दियो जेवर, रोक दे जेवर। हाँ, अब की बार MLA के चुनाव के लिए हमारे गांव से जो सूरजवान प्रजापत जो थर्ड क्लास के हैं, जो MLA के चुनाव के लिए लड़ने के लिए इच्छुक हैं, और उनके लिए हम फुल सपोर्ट करते हैं। गांव का पहला वोट हमारा वोट। बिल्कुल, थर्ड क्लास का मतलब आप ये मत समझ लेना जी, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी। इनका कहने का मतलब है कि एक बिल्कुल गरीब परिवार से हैं, तो किसी अलग तरीके से, क्योंकि क्या होता है मीडिया पे, क्या होता है बात को बढ़ा चढ़ाकर अलग पेश करने का एक अलग तरीका होता है, तो साफ कहना सुखी रहना। आओ जी देशराज जी, सूरजाराम जी के बारे में कुछ बताओ। सूरजवान बढ़िया कैंडिडेट है, गांव बड़ा गांव है, हमेशा गांव ने कोई भी कैंडिडेट आया तो बढ़िया पैरवी करी उसके लिए,
बढ़ चढ़ के मतलब उनको वोट दे के जिता के भेजा है। काम की उम्मीदों पे कभी कोई भी कैंडिडेट है मतलब यूँ कुछ उम्मीदें बात होती हैं, कुछ कैंडिडेट ने हमारा मतलब जैसा भी सहयोग किया तो वो तो सही है, लेकिन अपनी जगह, लेकिन गांव का कोई भाई आगे आता है तो हम उसके साथ है, पैरवी करने के लिए सदा तत्पर है और सुनवाने के लिए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये तो एक बढ़िया मतलब है मिलनसार कर्मठहर मतलब काम के प्रति मतलब उत्तरदायी कोई भी भाई मतलब कैसा भी मतलब काम हो तो उसके साथ हर जगह तैयार मिला है, तो हम जब भी कहेगा भाई के साथ तन मन धन से तैयार है। ये गांव में जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई वो पैसा लगाओ पैसा लगन, लेकिन सुरजाराम बार बार मैं तान बता रहा हूँ बहुत गरीब परिवार थी है, लेकिन जो पैसा आदमी है जो मिडिल फैमिली थी ही, जो भाई आपको जीवन यापन बढ़िया करो करी ही, वे भी सुरजाराम को फुल सपोर्ट मारे हैं, ना उनमें कोई लोभ ना उनमें कोई लालच। तो जी आप खेती और आया हो, कोई लोभ लालच नहीं आप? नहीं कोई लोभ लालच कौन है, सामाजिक आदमी है, सामाजिक आदमी है तो वो एक आम परिवार से विलोम करता है, तो आम परिवार का आदमी उसके पास कोई भी आदमी आओ तो वो हर समय मतलब उपलब्ध रहता है उसके प्रति। सुरजाराम जी एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, आप पब्लिक से क्या अपील करना चाहते हैं कि भाई इनको वोट दें, इनको सपोर्ट करें, उनके बारे में कुछ बताएं आप? मैं यही अपील करूंगा सभी भाइयों से कि भाई ज्यादा ज्यादा वोट दे कर इसकी मदद करीजा, ताकि अपने बीच से निकल के एक भाई आगे आए और गांव की बढ़िया मतलब अपना हल्के की बढ़िया मतलब पैरवी कर सके, आने वाले समाज में आने वाले जनरेशन में और भी बड़े भी एक आम आदमी भी मतलब यहाँ तक मतलब है आ सकता है, तो उसके लिए भी मतलब एक प्रेरणा बने। तो साथी जिस प्रकार से यहाँ बातें हुई, अब आगे का गांव राम के हाथ में है, पब्लिक के हाथ में है, जनता जनार्दन है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। गांव का गांव वोट गांव का खड़े होकर गांव का ने कैंडिडेट दिए थे दलाल ने, वो कौन कामयाब करे यार, केदा वोट दान ने कोई कोई वोट नहीं देव हाड़ा गांव में, गांव का दार गांव का ने खड़े होकर हर बार करड़ी मन में कर रखी है, चौकस करड़ी मन में है, महाराज चाहे मन नहीं कि कौन जान दलाल आने सबको काट दियो, तो भाई गांव वाला करड़ काट के छोड़ दिया। हेलो भाई साहब आप कुछ आ जाओ, दलाल के अंदर कोई भी गांव के अंदर नहीं आया है, और आया है तो वो काम करवाता है, तो वो अपने जो पर्सनल आदमी है उनका काम करवाता है, लेकिन कोई भी अगर ये हो कि अब की बार जो बीजेपी सरकार आई है उसमें। साथियों सुरजाराम जी से बात हुई, गांव के और भी यहां पे जो गणमान्य व्यक्ति आए हैं उनसे भी बात हुई, गांव की सभी बिरादरी का सुरजाराम जी को फुल सपोर्ट है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, एक गरीब परिवार से आते हैं, एक गरीब की भावना को समझते हैं, आपस में प्यार प्रेम भाईचारा का इनका व्यक्तित्व है। और रही बात गाँव की, गाँव में इनकी अच्छी रेपुटेशन है, गाँव में अच्छी पहचान है, और हर गली मोहल्ले में जाकर ये आटा चक्की का काम करते हैं, मतलब आटा पिसाई का ये काम करते हैं, बहुत ही मेहनती हैं। तो आप सभी से भी ये निवेदन है कि सुरजाराम जी के हाथ मजबूत करें, कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दें, सभी ग्रामवासियों के ही सहयोग से ये कार्य संपन्न होगा, तो आप सभी आएं और सुरजाराम जी की मदद करें। सभी को दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।